जिंदगी अगर बदलनी है तो महिलाएं अपनी दिनचर्या में बस दो आदतों को शामिल कर लें, अपने आप जिंदगी में बदलाव आ जाएगी। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबके साथ साथ मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू कर दिए हैं। 7:15 बज रहा है, मेरा पूजा पाठ हो गया था और पूजा पाठ करने के बाद सीधे रसोई में ड्यूटी लगती है। और रसोई में सबसे पहले ये ड्राई फ्रूट्स हम रात में भिगो के रख देते हैं और इसको सुबह में पीस के देते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली आदत यही है कि इन सब चीज़ों को ज़रूरत सभी को है, बच्चों को तो है ही, हस्बैंड को भी है क्योंकि वो बाहर कमाते हैं, बच्चे हैं कि उनको अभी ये सब देना ज़रूरी हो जाता है, उनके शरीर में अभी मतलब बदलाव आ रहा है, उनका शरीर बढ़ता शरीर है तो ये सब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ज़रूरी किसे नहीं है, हम महिलाओं को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो हम यही सोचते हैं कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि हम क्या करेंगे, हम तो हैं ही ऐसे ही स्ट्रांग हैं, ऐसे ही डेली रोज का खाना खा खा के हम अंदर से इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गए कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सब के जीवन में सबसे पहली जिम्मेवारी खुद के लिए होना चाहिए। और यकीन मानिए, जो ऐसे नहीं होते हैं वो दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो हमेशा मुंह के बल गिरते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तो नीचे ज़मीन दिखने लगता है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए, कैसे हो गए, इतना ज़्यादा वीक हो गए, इतना ज़्यादा हम कमज़ोर हो गए, अब हमसे कैसे काम होगा, ये सोचते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि उसके पहले ही हम इसका क्यों ना उपाय कर लें। तो फिर बस यहाँ पे ड्राई फ्रूट पीसते हैं और पीस के उसमें पानी में मिला के निमिक पापा को भी दे देते हैं और हम खुद भी पी लेते हैं, और जब बच्चे रहते हैं तो बच्चों को भी देते हैं। हाँ, अब आप लोग कहोगे कि ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा महंगा है, ये सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये बात सही है, मैं भी मानती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन गोलियों से ज़्यादा नहीं, दवाइयों से ज़्यादा नहीं, दवाई जब आप लोगे वो भी बहुत ज़्यादा महंगा, और दवाई खाते खाते जो हमारे शरीर का हालत होता है वो तो ड्राई फ्रूट्स के महंगाई के सामने और भी ज़्यादा महंगा लगने लगता है। तो बस यहाँ पे यही सोचना है, थोड़ा सा सोच में बदलाव लाना है कि क्यों ना धीरे धीरे हम अपने अंदर के शरीर को स्ट्रॉन्ग करें। हम जो भी खाते पीते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कुछ हेल्दी खाएं, कुछ ऐसा हेल्दी खाएं, कम खाएं लेकिन हेल्दी खाएं। और यहाँ पे चल रही है पनीर की भुर्जी बनाने की तैयारी। तो पहले हम काली मिर्च को थोड़ा सा गर्म कर लिए हैं, उसको दरदरा कूट लेंगे। तो प्याज वाली पनीर की भुजिया बनाएंगे ड्राई। तो फ्रेंड्स, अभी मौसम इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है कि एक को अगर बीमार कर रहा है, घर में एक को फीवर आ रहा है तो पूरे घर को बीमार कर दे रहा है। और इसके लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग, हम महिलाएं ही सोचेंगे अपने लिए भी और अपने घर के लिए भी। क्योंकि अगर हम अपने आप में ये सोच लेते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो बस वीक ही रह जाते हैं। उसी समय अगर हमारे मन में ये ख्याल आ जाता है कि नहीं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो यकीन मानिए उसी समय हम पावर हाउस बन जाते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है अंदर से स्ट्रांग होना, खासकर महिलाओं को, अपने घर को, घर की महिलाओं को। बस अब बस यही करना है कि हमें पहले से, पहले जो हुआ वो हुआ, वो उसको छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाना है, अपनी हेल्दी दिनचर्या के साथ साथ हेल्दी खाने पीने पर भी ध्यान देना है, अपने लिए और अपनों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बैठ गए अपने ग्रोसरीज दिखाने के लिए। फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट आया था कि दी आप ग्रोसरीज दिखाओ, मंथली ग्रोसरीज। तो मंथली ग्रोसरीज में यही अभी लाए हैं, बिस्किट है, ये पिंक सॉल्ट लाए हैं, गुलाबी नमक, और ये दो पैकेट तेल का लाए हैं क्योंकि अभी हम लोग दो ही हैं और दो में इतना मंथली हम लोग का निकल जाता है। और ये जो कुछ मसाले लाए हैं, मसाले में हम गोटा मसाला ही लेते हैं, जीरा है, काली मिर्च है, वो सब गोटा ही लेते हैं। उसके बाद एक है चिकन मसाला जो कि उसका हम पाउडर लेते हैं बस, और एक लाल मिर्च का पाउडर लेते हैं जो कि अभी लाए नहीं है, वो है, वो बीच में निम्मी आ गई थी ना तो बहुत सा सामान उस समय भी आ गया था, तो इसीलिए अभी थोड़ा कम ही आया। और ये है दो पैकेट चीनी। तो फ्रेंड्स, चीनी तो मेरा पहले लगता था 5 किलो, 5 केजी चीनी लग जाता था, 5 किलो का हम पैकेट लाते थे,
लेकिन अब मेरा 2 किलो में निकल जाता है, क्योंकि हम दूसरा जो बदलाव लाए हैं अपनी ज़िंदगी में, वो दूसरा बदलाव यही है कि चीनी का इस्तेमाल बहुत कम कीजिए, कम से कम कीजिए। और चीनी का इस्तेमाल कम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चाय में। बहुत से घरों में चाय में बहुत ज़्यादा चीनी लगता है और हमारे शरीर को वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो सबसे पहले तो अपनी चाय की आदत को छोड़िए, जो 4-5 बार चाय पीते हैं वो कम कर दीजिए, कम से कम तो 2 बार कर दीजिए। तो बहुत ज़्यादा हमारे बजट को इसका असर दिखता है बजट में। और जो चीनी से और जो हमारा इधर का बजट हमारा थोड़ा सा बचा, पैसा बचा, उसको हम ड्राई फ्रूट्स में जोड़ दिए और ड्राई फ्रूट्स अब लाना शुरू कर दिए। और ड्राई फ्रूट्स ला के उसको रात में भिगो के और पीस के पी लेते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। तो चाय तो अभी हम छोड़े हुए हैं, काफ़ी दिनों से छोड़े हुए हैं, 6 महीना हो गया। 6 महीना से हम चाय बस एक टाइम पीते हैं, सुबह के सुबह चाय बनाते हैं, उसके बाद हम चाय बनाते ही नहीं हैं, पीते भी नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा इसका असर, अच्छा वाला असर, गुड हैबिट इसको कह लीजिए, गुड हैबिट है जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर फॉलो कर सकते हो अगर संभव है तो, अगर संभव है फॉलो करोगे तो खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन हाँ 3-4 महीने में पता चलेगा। अब आप लोग बोलोगे कि ड्राई फ्रूट तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो बात सही है, ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगा है ही, लेकिन दवाइयों से ज़्यादा महंगी नहीं है। जब हम दवाइयाँ खरीदते हैं और दवाइयाँ का लत लग जाता है तो वो हमारे शरीर को इतना ज़्यादा नुकसान करता है, और उस नुकसान के तुलना में अगर हम देखें तो ड्राई फ्रूट हमें महंगा नहीं लगेगा। तो थोड़ी थोड़ी इसको लेना चाहिए। और अब मंथली में हम शामिल इसको कर दिए हैं अपने मंथली ग्रोसरीज में, तो उतना ज़्यादा महंगा मुझे नहीं लगता। हाँ एक एक करके अगर लो तो ज़्यादा लगता है। तो बस सारे ड्राई फ्रूट्स को हम डब्बे में रख दिए थे, सारे को नहीं, पहले से जो रखा हुआ था वो था, और अभी जो लाए थे उसको हम रख दिए और फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि फ्रिज में जल्दी ख़राब नहीं होता। और हम बेसन हो गया, मैदा हो गया, सूजी हो गया, ये सब हमें नहीं लाए, ये बरसात का सीज़न चल रहा है ना, तो हम वो सब नहीं लाए, क्योंकि वो सब में बहुत जल्दी जाले लग जाते हैं। जब उन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है तभी हम मंगवा लेते हैं अभी, क्योंकि रखने में फिर वो सब रिस्की हो जाता है। अभी सारे सामान को हम व्यवस्थित कर दिए और अब चल रहा है लंच की तैयारी हो रही है। और लंच में आज बनेगा हेल्दी सा केला का सब्जी। और केले की सब्जी हम कैसे बनाते हैं अपने तरीके से, वो आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। चलिए, तो नाश्ता में तो पनीर का भुर्जी और रोटी हो गया था, और अब होगा केले की सब्जी। और निमी का पापा को दोपहर में भी उन्हें रोटी ही खाने की अभी आदत लग सही गई है। वैसे खुखड़ी आया था तो खुखड़ी में तो चावल खाए थे, लेकिन अभी रोटी ही खोज रहे हैं वो, आज बोले हम रोटी ही खाएंगे, तो केले की सब्जी के साथ रोटी ही रहेगा। और चलिए यहाँ केले की सब्जी को पहले, सब्जी को नहीं केले को छील लेते हैं, सब्जी तो अब बनाएंगे इसका। उसके बाद इसको छीलने के बाद इसका छिलका फेंकते नहीं है, इसका छिलका को भी पानी में डाल के रख देते हैं। ये बहुत अच्छा इसका ये बन जाता है, पौधों के लिए खाद बन जाता है, तो हम इसको पानी में डाल के रख देते हैं। और इसका जानते हैं छिलका का चटनी भी बहुत टेस्टी बनता है, कभी चटनी भी बनाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये केला मेरे गांव से आया था, ख़रीदे नहीं है, अभी सीज़न है तो फरा था तो आया था। तो बस इसको फटाफट से मोटा मोटा काट लेंगे, मोटा मोटा ही काटना है। सारा केला मोटा मोटा काटने के बाद अब इसको हम कढ़ाई में तेल दिए हैं, और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल में इसको तेल में इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, बस थोड़ा हल्का सा लाल कर लेंगे। और लाल करने के बाद इसको हम निकाल लिए, और छत पे गए थे आज ना, छत पे तो खैर डेली जाते हैं, तो एक टमाटर मुझे मिला था, छोटा सा टमाटर। तो चलिए बिना फ्री में टमाटर अभी हम लोग को मिल जा रहा है, तो फ्री में टमाटर का भी इस पे हो जाएगा इस सब्जी में। तो बस उसके बाद हम तड़का में सिर्फ सरसों डाले हैं, जो होता है ना ये क्या बोलते हैं उसको, मस्टर्ड सीड, बस वो मस्टर्ड सीड डाले हैं, और छोटा छोटा प्याज का टुकड़ा, एक सूखी मिर्च और एक तेज पत्ता को तोड़ तोड़ के डाल दिए, बस इतना ही तड़का लगाए हैं। उसके बाद प्याज को हल्का भुनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे बेसिक मसाला, जो डेली मसाले यूज़ करते हैं बस वही, कोई खास मसाला इसमें नहीं है, बस वही मसाला, लहसुन, हरी मिर्च पीसे थे, जीरा, काली मिर्च, वो सब, और यहाँ पे लाल कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, बस इतना ही मसाला डाल दिए। और ये छोटू सा टमाटर भी डाल देंगे,
टमाटर अगर ना डाले तो भी बहुत टेस्टी सब्जी बनता है केला का। तो यहाँ पे टमाटर था मेरे पास तो हम डाल दिए, और मसाले में थोड़ा सा नमक डाले हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। उसके बाद हम वो केला जो फ्राई किए थे, फ्राई नहीं कहेंगे, ये थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ केला है, बहुत ज़्यादा तेल में हम इसको एक एक करके फ्राई नहीं किए हैं, ऐसे ही लांग करके भून लिए थे। उसके बाद इसको हम मसाले के साथ अच्छे से मिला के भून देंगे। और ये सब्जी ना सभी को बहुत अच्छे लगेंगे, बच्चों को भी बहुत अच्छे लगेंगे, बूढ़ों को भी बहुत अच्छा लगेगा, और हमें तो खैर अच्छा लगता ही लगता है। और अब इसमें नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्रेवी, बहुत ज़्यादा इसको ग्रेवी वाला नहीं बनाना है, बस हल्का सा वो वाला जो होता है ना, थोड़ा सा ठीक ठीक वाला, वो वाला टेक्सचर रहेगा इसका, और बहुत देखने में यम्मी सा लग रहा है ना। तो बस आज लंच तक का हम वीडियो शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, जो चैनल पे नए हो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, वरना फिर छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिए, मेरा सब्जी पूरा कंप्लीट बन के तैयार। और धनिया पत्ता डालने के बाद इसको ढक दिए ताकि वो धनिया पत्ता का स्मेल बाहर ना उड़ के चला जाए, और सब्जी बन के तैयार हो गया। तो यहीं पे हम खाना भी लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो हम ज़्यादा लंबा आज नहीं कर पाएंगे, बस यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। फिर आप लोग से कल मिलते हैं, टाटा बाय, सी यू। और यहाँ पर अमड़ा का और मिर्च का अचार बनाए थे वो भी।